अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम और इस वक्त यहाँ खैरियत है? मैंने सोचा कि आज आपको यहां से पिक करके जाऊं। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी। मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पहले कभी आपको मैंने पिक ही ना किया हो, और वैसे भी आपका दूसरा इवेंट होने वाला है तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ ही बटा लूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इवेंट की तैयारियां चल रही हैं और तकरीबन पूरी हो चुकी है। तुम्हें बहुत देर से ख्याल आया। खैर ये बताओ, खाना वाना खाया? अरे मामा, आप मुझे बाहर से खाना खाने ही कहाँ देती हैं। इस उम्र में भी मैं घर से टिफिन लेके जाता हूँ। वो तो शुक्र है कि उसका शेप थोड़ा डिफरेंट हो गया, वरना बहुत ही वियर्ड लगता। चल शरारती, माँ का मजाक उड़ा रहे। अरे ये माँ है जो इतना ख्याल रखती है। कल को शादी होगी ना तो बीवी कहेगी क्या आते हुए खाना बाहर से खा के आइएगा और मेरे लिए भी लेके आइएगा। अच्छा जी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा? इसीलिए तो तुम्हारे लिए कोई ऐसी लड़की देख रही हूँ जो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखे और तुम्हें अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाए। जी बिल्कुल। वैसे ये बताएं कि वो आपने अपने सेकंड इवेंट की डेट क्या रखी है? अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, उसी पे बात चल रही है। भाई, आपका पहला इवेंट तो बहुत ही सक्सेसफुल था, बड़ी कवरेज मिली है उसको। मेरे ख्याल से आपको अपने सेकंड इवेंट के लिए भी वैसे ही कंटेस्टेंट चाहिए होंगे। वो कैसे? वो लड़की थी ना, बड़ी बोल्ड सी, आप बता रही थी। कौन? नूर? हाँ, नूर। हाँ वो किसके साथ आई थी उस दिन? उसकी चची? पप्पू। हाँ पप्पू। पप्पू इतना बोलती है वो खातून, चुप ही नहीं करती। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, पता नहीं कहाँ रख दिया या मैंने कहीं। मम्मा, आपने उनका नंबर खो दिया? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कोई चीज गुम नहीं करती, इधर ही कहीं होगा, भी मिल जाएगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। ये देखो नंबर मिल भी गया मुझे। अब मिल गया तो मेरे ख्याल से आप कॉल भी कर लें। कॉल कर? जी, चले जनाब कह रहे हैं तो कॉल भी कर लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। सॉरी जहांरा जी। चलो कोई बात नहीं, सबकी फुप्पो हूँ तो तुम्हारी भी फुप्पो हो गई। मैं तो फुप्पो, भला तुम कौन? मैं नायला आरिफ बात कर रही हूँ। कौन नायला? वो कमेटी वाली? नहीं, कमेटी वाली नहीं, वो एनजीओ वाली नायला आरिफ। उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी ना और आपने मुझे अपना नंबर भी दिया था। ओह अच्छा भाई, सॉरी सॉरी, आपने पहली दफा फोन किया है तो मैं कैसे पहचान पाती भला? असल में वो एक नायला है मेरी कमेटी वाली, वो नंबर बदल बदल के ना पैसों के चक्कर में मुझे बहुत फोन कर रही है, तो मैं समझी वही है। वैसे आपने कैसे फोन किया? वो एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी काम था। आपकी भतीजी है ना वो? हाँ, नूर। जी जी नूर। असल में हमारी एनजीओ एक इवेंट कराने जा रही है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि हमारी एनजीओ के लिए किसी टॉपिक पर वो लिख के दे। माशाल्लाह उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छे हैं, अरे वो तो खुद भी बहुत अच्छी है। इसमें तो कोई शक नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मेरी उससे बात हो जाए? अभी तो वो घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है। वो जैसे ही आती है मैं आपकी बात करा दूंगी। ठीक है, कोई उसका अपना कांटेक्ट नंबर कि मैं उससे डायरेक्ट बात कर लूं? अरे क्या बताऊं मैं आपको, वो तो फोन को ना फजूल समझती है। अब भला बताएं, इस दुनिया का कौन सा बच्चा है जिसके पास फोन नहीं है? और वो है कि सिर्फ पढ़ाई और घर, बाकी कुछ नहीं। जी, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, वो जब आए ना तो आप उसे बता दीजिएगा कि मेरा फोन आया था। अरे आप समझे, आपका काम हो गया। वो जैसी आती है ना मैं आपकी उससे बात कराती हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतज़ार करूँगी इसके फ़ोन का। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे खुदाया, कितना बोलती है, अगले की तो सुनती नहीं है ना। आपके कहने का मतलब है कि उस घर में सबको तकरीर करने का शौक। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फैमिली अच्छी लगती है। बता रही थी कि नूर के पास मोबाइल ही नहीं है। देखो तो, इस वक्त में किसी के पास मोबाइल ना होना बड़ी बात है। बड़ी गड़बड़ हो गई। कुछ कहा मुझसे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल नहीं रखते। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितनी फिक्र हो रही है? अरे नहीं मम्मा, मैं तो चाह रहा हूँ कि बस आपका इवेंट अच्छा हो जाए। सुनो, आज से पहले मैं बहुत इवेंट करा चुकी हूँ। उस वक्त तो तब तुमने कोई सवाल नहीं किया और इस दफा तुम बहुत फिक्रमंद हो रहे हो। अरे मम्मा बस कर दें, मतलब ड्रैग हो रहा है। आप चलें, सामान उठाएं, आप चलें।